Thank you, our mentor, Mr. Jaga sir. Thank you, Sara ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Obisek. Welcome, Mr. Rane. Thank you, our King of Ayurveda and Queen of Ayurveda. And thank you, my great grandfather, Mr. Peter Lau. And thanks all the crown ambassador. And thanks my upline, Mr. Kumar, who forcefully bring me in this platform. So up main Hindi mein bolu, right? Because we have a lot of guests. So I will say in Hindi. There will be two challenges. One is Bengali, which will not come to understand. And the Hindi is also not coming to understand. So both brain stress will be. So I will get full concentration. Okay, so I am taking this benefit. My Hindi is broken. You will try to understand this. Look, today's day is your day. Because the whole year, we have worked for you. Today is your celebration day. We were enjoying it when the manager was dancing here. We wanted to see the other people who would come. Their dance, their energy. Because I get energy from them. The next year, I will get energy from you. Okay, so thank you everybody. I wanted to talk about the thing that I am going to share now. I am going to talk about the thing. मेरा ये जो चीज आप लोग यहाँ पे हर कोई अपना लाइफ बदलने के लिए आए हैं, राइट? आप लोग रिच बनने के लिए आए हैं, राइट? सो देखिए, हर चीज का कुछ फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला किसका होता है? जैसे हम लोगों का फादर, हम लोगों का जो डायरेक्टर साहब जिस तरह से सोच रहे हैं, हम लोग अगर उसी तरह हर कोई सोचेगा, उसी तरह एक्टिविटी करेगा, तो हर किसी को सक्सेस मिलेगा, राइट? सो आज जो चीज मैं शेयर करने वाले हूँ वो है सर के फॉर्मूला. ये जो स्टेज, हर कोई ये स्टेज चाहते हो कि नहीं? So definitely कोई किसी को next साल, किसी का अगले 5 साल में यहाँ पे जितना सारे लोग हैं, अगर कोई new person भी है, first time हम लोगों का program देखने के लिए आए हैं, अगले 5 साल में ये stage आपका है, ये जो formula हम लोग बोलने के जा रहे हैं, so आप सुनने के लिए ready है? Okay. देखिए पहला जो चीज हम आप लोगों को बोल देते, हम लोग network marketing में नहीं है, okay? Clear? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लीडर होना पड़ता है, ये होना पड़ता है, ये स्किल चाहिए, वो स्किल चाहिए, राइट और रॉन्ग? हेलो. सो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया पहले, एग्री? हम लोग क्या किस जगह पे है? हम लोग है कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना. ये हम लोग का मोटिव है, कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना, ये हम लोग का मोटिव है. क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं? रेसिडुअल इनकम, राइट? सो अगर रेसिडुअल इनकम चाहिए तो आपको कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा. तो इसके लिए देखिए, कुछ भी चीज आपको सक्सेस जब चाहिए, वर्ड सक्सेस जब आता है तब नया स्किल के बाद आता है, राइट? हेलो. जब आता है सक्सेस तब आपको कुछ नया स्किल चाहिए, राइट और रॉन्ग? नया कुछ डेवलप करना पड़ेगा. वो आम आदमी के बात नहीं है, वो कुछ स्पेशल लोगों के लिए सक्सेस है, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जब कंज्यूमर नेटवर्क के बाद सोच करेंगे, आपका दो स्किल चाहिए. अगर ये स्किल किसी का है तो सक्सेस मिलेगा, नहीं है सॉरी टाटा बाय बाय, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है. मैं नंबर वन स्किल के लिए जो बोलता हूं, आप अगर मिडिल क्लास फैमिली में है, आपका 80% बजट कहां जाता है? कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, am I right or wrong? कपड़ा खरीदते हो, हेल्थ केयर करते हो, ब्यूटी का कुछ ना कुछ खरीदते हो. 80% बजट से आपको कुछ ना कुछ खरीदना ही है. इतना दिन तक खरीद के आपको साल में एक मिठाई का ठोंगा मिला. और अभी जो नया स्टाइल है वो तो कुछ भी नहीं मिलता है. आप ऑनलाइन से खरीदोगे तो कुछ भी नहीं, और मॉल में जाओगे तो बोलो आपका हो गया तो मॉल को छोड़ो, इस तरह की बोलते हैं. मिठाई तो बाद में, पहले था मिठाई के बाद, राइट? अभी वो भी चला गया, am I right or wrong? क्योंकि आप लोग डिस्काउंट में जाते हो, एक ही दिमाग में घुस गया डिस्काउंट, वो मिठाई भी, मिठाई का सोच भी चला गया. लेकिन मैं आज यहां पे जितना सारे लोग हैं, हर कोई रिच बनना चाहते हैं, राइट? सो चेंज योर बाइंग हैबिट. आपका बाइंग हैबिट चेंज करो. आप इतना दिन दुकान से खरीदते थे, राइट? कुछ ना कुछ जगह से खरीदते थे. आप एक चीज करो, केलिंग का एक्सलेंस हेल्थ केयर प्रोडक्ट है कि नहीं? जैसे प्रिया मैम बोला, आपका घर में अगर क्लोरोफिल वीटा लेडीज नहीं ले रहा है तो वो बीमार बनेगा कि नहीं, राइट? अगर आपका घर में मेन लोग क्लोरोफिल लाइट या क्लोरोफिल लैक्स नहीं ला रहा है, बीमार बनेगा कि नहीं? तो आपका घर में तीन मेंबर है तो क्लोरोफिल लाइट, क्लोरोफिल बीटा हर मेंबर को दे दो, तीन मेंबर को. ये कर सकते हो, इसमें आपका बचत होगा, बचत. सेविंग्स चाहते हो ना, सेविंग्स. आज देखो हम लोग अनहेल्दी है, राइट? हेलो. सो अभी हेल्थ केयर नहीं करेंगे तो फीकी का रिसर्च से आपको ज्यादा हेल्थ केयर एक्सपेंस करना पड़ेगा. तो रिड्यूस करना चाहते हो तो क्लोरोफिल लैक्स पियो, तो हेल्थ केयर रिड्यूस हो गया. यही 3-4 हजार रुपया की अगर परचेस आप करते हो तो यहां पे आप स्टेज में हो. जस्ट 4000 परचेस एवरी मंथ. आपको कुछ करने का नहीं है, नॉट अ सिंगल सेल, एक सेल की भी जरूरत नहीं है. आप अगर एवरी मंथ 4000 का केलिंग से परचेस करते हो. अभी हम लोगों का हेल्थ केयर है, राणे साहब कितना ब्यूटीफुल सोप दे दिया, राइट? और भी क्या कुछ देने वाले हैं सब.
तो ये सारे आपका घर में जरूरत है। आने वाला सर बोला बहुत सारे प्रोडक्ट लेके जाना आ रहे जो आपके घर में जरूरत है, आप यहां से बाय करो, जस्ट 4000 रुपीज का आप बाय करते हो। और ये पहला स्किल, ये आप लोगों से होगा सो आप लोग यहां पे। नेक्स्ट दूसरा जो स्किल है ये बाय बर्थ, आप लोगों का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बींग का, बाय बर्थ ह्यूमन का बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप बोल देते हो, राइट। और जेंट्स लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ भी बाहर अच्छा लगा तो मिसेस को बोलता है, कुछ कुछ बात छोड़ के, एम आई राइट और रॉन्ग, सो बोलता है, राइट। ये हम लोग का बेसिक इंस्टिंक्ट है, वही जो इंस्टिंक्ट है आपको यहां से बाई करके जो फायदा हुआ वो लोगों को बोलो, देखो मैं बाई करके 20% रिडक्शन मिलता है, आप भी बाई करो, जस्ट ये सिंपल दो चीज कर पाओगे सो आप लोग रिच हो। यही दो चीज आपको रिलीजियसली करना पड़ेगा, ओनली 4000 रुपीज परचेस एंड आपका एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करना, क्लियर। आज देखो इंडियन मार्केट कितना तेजी से चेंज हो रहा है, हर किसी को हम लोगों को सोच ये बदलना पड़ेगा। आज देखो अगर पैसिव इनकम के बारे में बात आता है, पैसिव इनकम क्रिएट करना, तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, राइट राइट। हम लोग एक ही कैप्शन, प्रोड्यूसिंग वेल्थ बाय बाइंग स्मार्टर, आप बाई कर रहे थे वहां से डिस्काउंट के लिए, लेकिन आप स्मार्ट बायर, यहां पे बाई कर रहे हो आपको रेसिडुअल इनकम मिल रहा है, राइट। आपको कार फंड चाहिए, आप बाई कर रहे हो, नंबर आपका कितना नंबर, आपका ज्यादा नंबर आपका नीचे बाई कर रहे हैं तो आपको कार फंड। आप फॉरेन टिप चाहिए, आप 4000 के बाई कर रहे हो, आपके नीचे ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं तो आपको फॉरेन टिप। क्या चाहिए आपको, आपको ग्लोबल प्रॉफिट चाहिए, आप 4000 रुपीज के बाई कर रहे हो, आपके नीचे ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं आपको ग्लोबल प्रॉफिट। क्या चाहिए, आप लाख रुपया कमा रहे हो, आपको लगता है मेरे को 2 लाख कमाना चाहिए, तो आपका जो मेंबर है उनसे बोलो और एक करके मेंबर बढ़ा दे तो आपका लेकिन 4 लाख। आपका महंगाई बढ़ गया, आपको 10 लाख चाहिए, आपका टीम मेंबर से बात करो, हर किसी को बोलो एक एक मेंबर बनाने के लिए, आपका हो गया 10 लाख। सो इजी है कि नहीं, हेलो, हर कोई कर सकता कि नहीं। ये दो स्किल हर किसी के पास है ना, अच्छा लगता है शेयर करते हो, कुछ ना कुछ खरीदो तो केलिंग के में वो प्रोडक्ट है तो यहीं से खरीदो, ओके। ये दो सिंपल स्किल है। और अभी जानते हो हम लोगों का जो चैलेंजेस है ऑनलाइन मार्केटिंग, मैं राइट कर रहा हूं। आप हम लोग यहां से घर तक जितना दूर तक जाओगे हर जगह पे आपको दिखेगा दुकानदार दिखेगा, उनका दुकान में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑनलाइन में बिकता है कि नहीं, बिकता है ना। तो आप सोचो पहले आज से 5 साल पहले मोबाइल कहां से खरीदते थे, हेलो, अभी कहां से खरीदते हो, ऑनलाइन से, राइट। सो आपका दुकानदार जो प्रोडक्ट लेके बैठा है, दुकानदार 20 लाख रुपया लेके प्रोडक्ट लेके बैठा है, उसका कंज्यूमर ऑनलाइन पे जा रहा है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहा है, शॉपिंग मॉल में जाना है, आने वाले दिन में बेचने का हाल क्या होगा। सो वो प्लान भी है उनका, ऑनलाइन बिजनेस है, नहीं हो तो वैनिश हो जाएगा, हेलो, HMT गोरी हो जाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग। लेकिन आप सब कांग्रेचुलेशन, आप सब ऑनलाइन बिजनेस में हो, कैसे, आप लोग स्मार्ट हो। अभी देखो किसी के पास एक ऐप होता है तो रिच है कि नहीं, Amazon का वर्ड ओनर वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिचेस्ट पर्सन, एक ऐप। Facebook जुगरबर्ग तो कुछ किया ही नहीं, एक ऐप। ओला तो कुछ किया ही नहीं, एक ऐप, राइट। ओनली एक ऐप से वो लोग रिच बना। सोचो आप अगर खुद एक ऐप बना लिया आप रिच बनोगे कि नहीं, हेलो। सो आप भी ऐप ओनर हो आज से, कैसे, केलिंग का जो ऐप है ये ऐप आपका ऐप है, आप अगर ओला का ऐप शेयर करते हो तो 200 रुपीज मिलता है, राइट। सो केलिंग का ऐप से आप बाई कर रहे हो, लोगों को बोलो आप भी ऐप से बाई करो, 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 ज्यादा लोग ऐप से बाई करेगा आप रीच हो, वो ऐप आप हो ऐप का ओनर, नंबर वन चीज। और ये ऐप का पीछे जो प्रोडक्ट ऑनलाइन में प्रोडक्ट सप्लाई कौन कर रहा है, ऐप में ऑर्डर करेगा सप्लाई कौन करेगा, हेडेक जगह सर का है और उनका टीम का है। सो उसके क्या कमीशन बनता है, वो किसका हेडेक है, जगह सर उनका टीम का हेडेक है, हम लोगों को क्या लेना देना, हम लोग ऐप प्रमोट करेंगे पैसा कमाएंगे ऐस करेंगे हम लोग। देखो हम लोग देखो धरती का हर जो प्राणी है वो एंजॉय करता है, ओनली आदमी मानी अर्न करने का बाद थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो एंजॉय करता है। लेकिन आज से इस हॉल में जो लोग है फॉर्चुनेटली आ गए, आज से एंजॉय करना है, ऐप प्रमोट करो एंजॉय करो, ऐप प्रमोट करो एंजॉय करो, ऐप प्रमोट करो एंजॉय करो, दूसरों को सिखाओ ऐप प्रमोट करना है एंजॉय करना, राइट। और वो हर कोई 100 भी परचेस करेगा, इसलिए प्रोडक्ट भी हम लोगों के पास है। सो आपके पास वो जो दुकानदार है दुकानदार को जाके बोलो बेचारा तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो तो ऑनलाइन पे बिकता है, आने वाले दिन में तुम कहां रहोगे, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो। वो बोलेगा कैसे बापू, तुम वो प्रमोट ना करके ये ऐप प्रमोट करो बेटा, दुकान में बैठ बैठ के ऐड पोर करो, आने वाला दिन में देखो तुम भी एक ऐप ओनर हो जाओगे, रिच पर्सन बन जाओगे, अगर प्लान भी नहीं लिया तुम HMT घुरी हो जाओगे। सो हर दुकानदार ऐप प्रमोट करेगा कि नहीं, सो आप ऐप के ओनर हो आज से, जिगर सर नहीं हम लोग ओनर है, हेलो, क्लियर। और उसके लिए एक्सेलेंट प्रोडक्ट देने के लिए रूपम सर, प्रिया मैम और राणे सर रेडी है, क्लियर है। सो आज से अगर रिच बनना चाहते हो थिंक लाइक ए स्टोर, ये केलिंग स्टोर आपका स्टोर है, आप खरीद रहे हो, जितने ज्यादा लोग खरीदेगा आप रिच हो, ओके। और रिच पीपल का थिंकिंग जो भी रिच है, आज
जो वर्ल्ड में जितना सारे रिच लोग हैं उन लोगों का थिंकिंग क्या है? हेलो, मिनिमम अमाउंट फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एम आई राइट और रॉन्ग? सो आपका अमाउंट से हर घर से अगर एक क्लोरोफिल होता है, आप सोच सकते हो क्या हो सकता है? मिनिमम अमाउंट फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये सोच अगर आप में है, आप रिच हो। सो आपका दो इंस्टिंक्ट, खरीदने का जो मजबूरी वो केलिंग पे लेके आओ, बेटरिंग प्रोडक्ट कम प्राइस में आपको मिलेगा। और जिंदगी भर पूजा के टाइम Amazon ऐप ऑफर देता है 20% पूजा के टाइम, और केलिंग बोल रहा है जिंदगी भर 20% बेटर ऐप है, राइट? सो इससे परचेस करो और प्रमोट करो, आप रिच बनो। क्लियर हो गया ना? सो लोगों को लग रहा है इसके लिए रिच हो जाएगा, नहीं ब्रदर, इसके लिए तो रिच नहीं होगा, इसके लिए बेस्ट बायर बनोगे। रिच होने के लिए क्या चाहिए? रिच होने के लिए रिच पीपल फिलोसॉफी, रिच पीपल क्या करता है? रूपम सर मेरे को लेके दिखाया, देखो रिच पीपल क्या करता है बेटा, मुंबई में लेके गया बिजनेस क्लब में, बोले देखो बेटा इधर मुंबई में बिजनेस क्लब में लोग आता है, यहां एक दूसरे से मिलता है, एनर्जी मिलता है, एक दूसरे में बिजनेस नेटवर्क बनाता है, बिल्ड करता है, रूपम सर ने मेरे को सिखाया। तो उसके बाद आप देखो घर में जाके ऐप में परचेस करो, दूसरे को बोल रहे हो, आपसे बहुत सारे लोग नहीं लेगा, राइट? सो आप हर महीने जो चीज करोगे वो एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। आप ही जिस एसोसिएशन में हो वहां पे ऐप प्रमोट करने वाला बिजनेसमैन है, हेलो बिजनेसमैन है वहां पे? नहीं है आपका एसोसिएशन में। सो आप एक दिन मिलके आपका जो सीनियर है उसके साथ महीने में एक दिन आप मिलो, और आपका जो एक्टिव सीनियर है उसके साथ एक दिन मिलो। क्यों बोल रहा हूं? जगह सर के एनर्जी कितना होता है? हेलो, अगर एवरीडे जगह सर की एनर्जी आपके पास जाएगा तो कैसे होगा? तो कैसे जाएगा? जगह सर की हाथ हम लोग थामे हैं। सो आप आपका सीनियर का, आपके सीनियर के, आपके सीनियर के, आपका सीनियर पे हाथ थामे रहोगे, और एवरीडे प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन मींस आपका सीनियर को कौन कॉल करेगा? आप, क्योंकि एनर्जी ऊपर से आता है, पैसा नीचे से आता है। लेकिन आप क्या करते हो? एनर्जी लेना बंद करते हो, पैसे के पीछे भागते हो। Am I right or wrong? So, एनर्जी एंड मनी दोनों चाहिए, तो इस तरह की आपका सीनियर के साथ प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एवरीडे आपका करना पड़ेगा, क्योंकि मनी आपको चाहिए, और एनर्जी और चीज है वह कंटेजियस। आपका सीनियर से जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी आपको मार्केट में देना है। और आज से एक हैबिट चेंज कर दो, आप रिच पीपल के तरह सोचो। आपका ऑलरेडी एक अर्निंग है हर किसी का, राइट? उसको डिस्टर्ब मत करो बॉस। आज से, आज के बाद जब घर लौटोगे ना, हर दिन फ्री में एक कप चाय पीने का सोचो। एवरीडे फ्री कॉफी या फ्री टी, मींस आप एवरीडे घर लौटते वक्त एक दोस्त के घर जाओगे, वो फ्री कॉफी देगा कि नहीं? फ्री टी, ये फ्री कॉफी और फ्री टी का आदत अगर आप पड़ गया तो आप रिच बनोगे। कैसे? उसके घर में जाओगे, वो पूछेगा, उसको नहीं पूछेगा तो उसका घर के बारे में, हेल्थ के बारे में बोलो, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, और जेब में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके जाओ, आइदर साबुन आइदर पेस्ट, कुछ ना कुछ रख के आओ। एक चाय तो आपको पिलाया ना, सो वही प्रोडक्ट से नेक्स्ट डे वो ऐप से बाय करने का मजबूरी उनको हो जाएगा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस का बाद। तो उसको बोलो मैं भी एंजॉय कर रहा हूं, आप भी एंजॉय करो, उसके बाद सीनियर को लेके होम मीटिंग। सो आपको नया हैबिट बिल्ड करने का नहीं, कोई भी जीरो रिस्क, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, और फ्री में चाय पी के आपका रेसिडुअल इनकम बना रहे हो। केलिंग का बिजनेस अच्छा है, हेलो, और हर कोई ऐप से ओनर हो रहे हो, ओके? सो आज के बाद हम लोगों का जो मिशन है, मैडम लोग है केलिंग इंटरनेशनल में, आज के बाद केलिंग इंडिया एज ए टीम नंबर वन टीम होंगे, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि 133 करोड़ बायर, आने वाला दिन में इसका बाइंग हैबिट और भी अच्छा हो रहा है। Am I right or wrong? So, इसी बाइंग हैबिट, हम लोगों का जो बाइंग हैबिट है उसको केलिंग में लेके आएंगे, हर कोई रिच बनेंगे। ऑल द बेस्ट।